होम किचन यूट्यूब चैनल आदर पीलिगा अद अभी पलतरू के हदम इतनी पलतरू के हदागा अभी अवश्य मुनमद के बल मेतन पलतरू के अरतीन ग्राम पनह एवगेम चेरी पाट दिखकिंग अरतीनवा ग्राम पनह एवगेम कैंडिड फील ग्राम विसीपरगन तीयनवा प्लम्स ग्राम पनह करगन तीयनवा एवगेम खजु ग्राम हेत्तपह करगन तीन मे हेमे काम मे वगे ओयाल पोड़ियट कपागन गान्न एवगेम पाम पिटी ग्राम देसी करगन तीयनवा बित्तर तुना बटर ग्राम एकसिय पनह सीनी ग्राम एकसिय पनह किरी मेस हेदि हतरा मम मेतन ब्रांडी अरगन तीयनवा मेस हेंद एवगेम वेनिला ते हेदि देका बेकिंग पाउडर ते हेदि एकहा मारा दही लेली ते हेदि भागया अरगन तीयनवा मुलिन्म ओयाला मे वगे बोल एकक अरगेन पळतुरु कैली टिक मेकट दागन्न एवगेम ओयाला कजुवलिन टिकक इतुरु करगन्न मोकद केक एक उडट दागन्न दैन मेकट पाम पिटि टिकक दागन्न पाम पिटि मेस हेदि तुनक वितर दागन्न दाला मे वगे होंदवट मिश्र करगन्न ओयाला निकम्म पळतुरु कैली टिक केक एकट एकतु करगत्तोत् केक टिक बेक करगत्तट पस्से पलतुरु कैली टिक केक के अडियट बहिनवा एक वलक्कु गन्न तमाई अपि पलतुरु कैली पाम पिटी वल तवर गन्न दैन वेडिपुर तीयन पिटी टिक अयिन कर गन्न ओयाला मे पलतुरु कैली टिक हला गन्न ओयाला केक एक संदहा पाविच्ची करन बटर वगेम बित्तर पामरुष्णत्वयेन तियेन्न ओन ओयाला बटर बित्तर फ्रिज के दाला तीयनवना केक के का हदा गन्न अडुम पै बागे कट कालीं एलियन तिया गन्न दें ओयाला बटर टिक अडु स्पीड डेके मिनित्वक वितर बीट कर गन्न एवगेम ओयाला सीनी पाविच्च करन कोट मेवगे पोडी केट तीयन सीनी गन्न දැන් ඔයාලා සීනි ටික තුන් පාරකට එකතු කරගන්න. ඔයාලා බීට් කරන අතරතුර මේ භාජනයේ වටේ තියෙන ඒවා මැදට එකතු කරලා ගන්න. बटर सीनी टिक मम सामान्य स्पीड के मिनिट्टु हायक पितर बीट कर गत्ता दें अपि मेकट बित्तर एकतु कर गन्नोनी दें बित्तर एकिन एक एकतु कर गन्न दें ओयाला मेकट वेनिला एवगेम ब्रांडी खीरी दें पिटी वलट बेकिंग पाउडर एकतु करगन्न पिटी ओक्कोम एकपार एकतु करगन्न एप्पा ओयाला पिटी टिक तुन पारकट एकतु करगन्न ओयाला पिटी एकतु करगत्तट पस्से मे वगे फोल करगन्न देहिपोत्तु तेहंदि भागे एकतु करगन्न ए वगेम पळतुरु कैली टिकत् एकतु करगन्न दैन मम ऑयल पेपर एकक् दागेन बटर टिकक् गागेन बेकिंग ट्रे एकक् अरगेन तियेनवा ද
දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාලා අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 160 ට මිනිත්තු 10ක් ෆ්‍රී හීට් කරගන්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් ටැප් කරගන්න. දැන් මම කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 160 ට පැයක් විතර බේක් කරගත්තා. ඒ වගේම මම මේ කේක් එක සඳහා පාවිච්චි කළේ අඟල් 7ක රවුන්ඩ් ට්‍රේකක්. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදියට ෆෘට් කේක් එකක් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි.